राम राम जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म अध्याय 14। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज सुनिए कार्तिक मास महात्म में आगे का अध्याय। आज के अध्याय की शुरुआत हम भगवान श्री विष्णु जी के जन्म की कथा से करते हैं। तो चलिए कथा का रसपान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि के समय रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। ये तो सभी को पता है कि कृष्ण जी ने माता देवकी के गर्भ से जन्म लिया था, जिसके बाद उनके पिता वासुदेव उन्हें नंद बाबा के यहाँ छोड़ गए थे, जिसके बाद उनका लालन पालन मैया यशोदा ने किया। लेकिन क्या आपको पता है कि कृष्ण जी का नामकरण कैसे और किसने किया था? आइए श्रवण करते हैं भगवान श्री कृष्ण की दुर्लभ कथा। ऋषि गर्ग यदुवंश के कुल गुरु थे। एक दिन वे गोकुल में पधारे। नंद बाबा और यशोदा जी ने पूरे भाव से उनका आदर सत्कार किया और वासुदेव देवकी का हाल चाल पूछा। उसके बाद जब उन्होंने गर्गाचार्य से गोकुल में पधारने का कारण पूछा, तब उन्होंने बताया कि पास के ही गांव में एक बालक का नामकरण करने आए हैं। रास्ते में तुम्हारा घर पड़ा तो विचार किया कि तुमसे भी मिलता चलूं। जब नंद बाबा कोई और यशोदा जी को पता चला कि उन्होंने गर्ग ऋषि से कहा कि बाबा, हमारे यहाँ भी दो बालकों ने जन्म लिया है, कृपा करके उनका भी नामकरण कर दीजिए। लेकिन गर्गाचार्य ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर इस बात का पता कंस को चल गया तो वह मुझे जीवित ही नहीं रहने देगा। इस पर नंद बाबा ने कहा कि आप चुपचाप गौशाला में नामकरण कर दीजिए, हम इस बात का जिक्र किसी से भी नहीं करेंगे। जब रोहिणी जी को अवगत किया कि यदुवंश के कुल पुरोहित आए हैं, तो वे भाव विभोर होकर उनके गुणों का बिखान करने लगी। तभी यशोदा जी ने कहा कि अगर गर्गाचार्य इतने बड़े पुरोहित हैं तो हम अपने पुत्रों को बदल लेते हैं। तुम मेरे लल्ला को लेकर जाओ और मैं तुम्हारे पुत्र को लेकर आती हूँ। देखते हैं कि कुल पुरोहित जी यह जान पाते हैं या नहीं। इस तरह माताएं गर्ग ऋषि की परीक्षा लेने लगी। दोनों माताएं बालकों को लेकर गर्गाचार्य के समक्ष गई, लेकिन गर्गाचार्य ने जैसे ही यशोदा के हाथ में बालक को देखा तो वे पहचान गए और कहने लगे कि यह रोहिणी पुत्र है, इस कारण बालक का नाम है रोहिणी होगा। यह बालक अपने गुणों को सबसे आनंदित करेगा और एक नाम राम होगा और यह बहुत बलशाली होगा। इसके बल सम्मान कोई दूसरा न होगा, जिनके कारण इनका नाम बल भी होगा। इस तरह से इनका सबसे ज्यादा लिया जाने वाला नाम बल राम रहेगा। किसी में कोई भेद न करने के कारण यह सभी को अपनी ओर आकर्षित करेगा, इसलिए इनका एक नाम संकर्षण होगा। जब ऋषि गर्ग ने रोहिणी की गोद में बालक को देखा तो वे बालक की मनमोहक छवि को देखकर उसमें ही खो गए और अपनी शुद्ध बुद्ध भूल गए। गर्ग ऋषि जैसे मानो एक जगह खड़े रह गए। वे ना ही कुछ कह रहे थे और ना ही उनका शरीर में कोई हलचल हो रही थी। वे तो बस एक टक लगाए बालक को निहारने लगे। तब घबरा कर यशोदा और नंद बाबा ने पूछा कि बाबा, क्या हुआ? तब कहीं जाकर गर्गाचार्य को अपनी शुद्ध बुद्ध हुई। जैसे ही गर्गाचार्य यह कहते हुए कि नंद, तुम्हारा बालक कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि यह तो साक्षात, यह कहते हुए जैसे ही गर्गाचार्य ने अपनी उंगली कृष्ण की तरफ उठाई, तभी छोटे से नंदलाल ने अपनी लीला दिखाते हुए गर्गाचार्य को आंखों ही आंखों में धमकाया। बाल रूपी भगवान कृष्ण ने कहा, बाबा, मेरे भेद मत खोलना, क्योंकि अगर किसी को मेरा भेद पता चल गया तो लोग मुझे पूजने लगेंगे। मैं यहाँ पर पूजा करवाने या कैद होने नहीं आया हूँ, मैं तो यहाँ माखन मिश्री खाने आया हूँ, अपनी मैया की ममता की अनुभूति करना चाहता हूँ। अगर आपने सबके सामने मेरा भेद खोल दिया तो सभी मुझे पूजने लगेंगे और मैं मैया का प्रेम से वंचित रह जाऊंगा। लेकिन ऋषि गर्ग अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे। जैसे ही वे दोबारा बोलने के लिए तत्पर हुए, वैसे ही कान्हा ने फिर धमकाया और इशारों ही इशारों में कहा, बाबा, मान जाओ, नहीं तो आपकी जीभ यहीं रुक जाएगी और उंगली भी उठी की उठी रह जाएगी। आंखों ही आंखों में कृष्ण जी अपनी लीला दिखा रहे थे।
परंतु इस बारे में नंद बाबा और यशोदा जी को कुछ भी भान नहीं हुआ। तभी गर्गाचार्य ने कहा कि आपका पुत्र अनेकों नामों से जाना जाएगा, यह जैसे कर्म करता जाएगा उसी के अनुसार इसके नाम होते जाएंगे। गर्गाचार्य ने कहा कि यह कई रंगों में इसके पहले जन्म ले चुका है, परंतु इस बार यह काले रंग में आया है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। लेकिन मैया यशोदा को यह नाम बिल्कुल भी नहीं भाया। उन्होंने कहा कि यह कैसा नाम रखा है बाबा, आपने कोई सरल और आसान नाम बताइए। तब गर्गाचार्य जी ने कहा कि तुम इसे कन्हैया, कान्हा, किशन या फिर कृष्णा कहकर पुकार लेना। यह सुन माता यशोदा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। माता यशोदा कृष्ण जी को हमेशा लल्ला या कान्हा कहकर बुलाती थी। कान्हा जी के नामकरण की यह कहानी आपको कैसी लगी फ्रेंड्स, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप सभी भगवान कृष्ण की कोई और कथा सुनना चाहते हैं तो वह भी कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। अब आइए स्मरण करते हैं आगे का अध्याय। इससे पहले के अध्याय में देवर्षि नारद ने राजा प्रथु को विष्णु शर्मा नाम के ब्राह्मण और राजा चोल की कहानी सुनाई थी। इतनी कथा सुनाने के पश्चात देवर्षि नारद जी ने कहा, हे राजा प्रथु, अब मैं आपको भगवान के मंदिर में दीप दान करने और मांजन अर्थात झाड़ू लगाने का महत्व भी सुनाता हूँ, जो एक समय मुझे स्वयं श्री ब्रह्मा जी ने सुनाया था। यह अत्यंत गोपनीय इस कथा को अब मैं आपको सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। अत्यंत प्राचीन काल की बात है, चंद्रवंश के राजा जयदीप नाम का एक अत्यंत प्रतापी और प्रभु भक्त राजा राज्य किया करता था। वह प्रतिदिन भगवान के मंदिर में जाकर स्वयं झाड़ू लगाता और दीप जलाया करता था। एक दिन वतीहोत्र नामक राजा पुरोहित स्वयं राजा को यह कार्य करते हुए देखकर विस्मय से पूछने लगे कि हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के लिए और भी तो अनेक भक्ति युक्त कार्य हैं, फिर भी आप मंदिर में स्वयं सफाई करने आते हो और दीप जलाने आते हो, इतनी श्रद्धा क्यों रख रहे हो? इतनी अधिक श्रद्धा का क्या रहस्य है? राजा ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र भाव से कहा, महाराज, इस संबंध में मेरे पूर्व जन्म का एक अत्यंत विस्मयकारी इतिहास है, जो भगवान की कृपा से मुझे इस जन्म में भी याद है। अगर आपका आदेश हो तो वह घटना मैं आपको भी सुनाऊं। पूर्व जन्म की वह घटना सुनाते हुए राजा जयध्वज ने कहा, सतयुग में स्वरोचि मनवंत्र में वेद वेदांग को जानने वाला एक ब्राह्मण था, जो अत्यंत विद्वान होते हुए भी दुष्कर्म में लिप्त रहता था। उसके खोटे कर्मों के कारण उसके बंधु बांधव ने उसका परित्याग भी कर दिया था। एक दिन भूख प्यास से अत्यंत दुखी होकर वह घूमता फिरता नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचा और वहीं पर उसने अपने प्राण त्याग दिए। उसकी पत्नी भी व्यभिचारिणी थी, इसलिए उसके बंधु बांधवों ने उसे भी घर से बाहर निकाल दिया था। उसी के गर्भ में से अत्यंत पापी मैं उत्पन्न हुआ। उस जन्म में मेरा नाम दंड केतु था। दूसरों की पत्नियों, वैश्याओं और धन के लिए मैंने गो पशु और अनेक मनुष्यों की हत्याएं तक की और इस प्रकार पापपूर्ण जीवन भी बिताता रहा। एक रात को किसी दूसरे की स्त्री से भोग करने की इच्छा से मैं एक सामने के मंदिर में गया। वहां जाकर मैंने वस्त्र से वह स्थान साफ किया और दीपक जलाया। उस मंदिर में दीपक जलाता देखकर ग्राम रक्षक वहां आ गए और मुझे चोर या डाकू समझकर उन्होंने लाठी से मुझे
बहुत ज्यादा प्रहार किए और मेरी मृत्यु वहीं पर हो गई। देवालय में ही मेरे प्राण निकल गए। मेरे प्राण निकलते ही भगवान के दूत भी वहां आ गए और मुझे सुंदर विमान में बिठाकर वैकुंठ लोक को ले गए। कार्तिक महीने के भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाने और दीपक जलाने से मुझे इतना फल मिला कि कई कल्प तक स्वर्ग में सुख भोग कर मैंने चंद्र वंश में जन्म लिया। अगर श्रद्धा और भक्ति पूर्वक यही क्रिया कार्तिक के महीने में की जाए तो उनके पुण्य का तो क्या ही कहना है। उसका वर्णन तो स्वयं श्री ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। एक अन्य और कथा सुनाते हुए अब आइए अंत में श्रवण करते हैं भगवान श्री कृष्ण की एक दुर्लभ कथा, श्री कृष्ण नाम रूपी पारस। एक बार कृष्ण नाम ही हर लेता है जितने पाप। नहीं जीव की शक्ति कर सके वह जीवन में उतने पाप। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भजता है मुझको और मांगता है सांसारिक सुख, वह व्यक्ति अमृत छोड़कर विष मांगता है। वह बड़ा मूर्ख है, पर मैं तो समझदार हूँ। मैं उस मूर्ख को विष अर्थात सांसारिक सुख क्यों दूंगा? मैं उसे अपने चरणों की भक्ति देकर सांसारिक सुखों को विस्मृत करा अर्थात बुला देता हूँ। इसी तथ्य को दर्शाती एक सुंदर कथा है। गोड़ देश के एक ब्राह्मण निर्धनता के कारण बहुत ही दुखी था। जहाँ कहीं भी वह सहायता मांगने जाता, सब जगह उसे तिरस्कार ही मिलता। वह ब्राह्मण शास्त्रों को जानने वाला वह स्वभावमानी था। उसने संकल्प लिया कि जिस थोड़े से धन व स्वर्ण के कारण धनी लोग उसका तिरस्कार करते हैं, वह उस स्वर्ण को मूल्यहीन कर देगा। वह अपने तप से पारस प्राप्त करेगा और सोने की ढेरियां लगा देगा। लेकिन उसने सोचा कि पारस मिलेगा कहाँ? ढूंढने से तो वह मिलने से रहा, तो कौन देगा उसे पारस? देवता तो स्वयं लक्ष्मी के दास है, वे उसे क्या पारस देंगे? ब्राह्मण ने भगवान अघोरदानी शिव जी की शरण में जाने का निश्चय किया, जो विश्व को विभूति देकर स्वयं भस्म लगाकर रहते हैं। वे कपाली ही कृपा करेंगे तो पारस प्राप्त हो सकता है। घर नहीं, धन नहीं, अन्न और भूषण नहीं, फिर भी शिव महादानी कहलाते हैं। देखत भयंकर पर नाम शिव शंकर, नाश करते हैं तो भी नाथ कहलाते हैं। ब्राह्मण ने निरंतर भगवान शिव का रुद्रार्चन, पंचाक्षर मंत्र का जप और कठिन व्रत रखना शुरू कर दिया। आखिर भगवान आशुतोष कब तक संतुष्ट नहीं होते? ब्राह्मण की 12 वर्ष की तपस्या सफल हुई। भगवान शिव ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा, तुम वृंदावन के श्री सनातन गोस्वामी जी के पास जाओ, उनके पास पारस है और वे तुम्हें दे देंगे। श्री सनातन गोस्वामी जी के पास पारस है और वे उस महान रत्न को मुझे दे देंगे। भगवान शंकर ने कहा है तो वे अवश्य ही दे देंगे। ऐसा सोचते हुए ब्राह्मण वृंदावन की ओर जा रहा था। खुशी के मारे यात्रा की थकान व नींद उससे कोसों दूर चली गई थी। वृंदावन पहुंचने पर उसने लोगों से श्री सनातन गोस्वामी का पता पूछा। लोगों ने वृक्ष के नीचे बैठे अत्यंत कृशकाय अर्थात दुर्बल गोपन धारी गुदड़ी रखने वाले वृद्ध को श्री सनातन गोस्वामी बतलाया। चैतन्य महाप्रभु जी के शिष्य सनातन गोस्वामी वृंदावन में वृक्ष के नीचे रहते थे, भीख मांगकर रूखी सूखी खाते, फटी लंगोटी पहनते और गुदड़ी व करवा साथ में रखते थे। 8 पहर में केवल 4 घड़ी सोते और शेष समय श्री कृष्ण नाम का कीर्तन करते रहते थे। एक समय वे विद्या, पद, ऐश्वर्य और मान में लिप्त थे, बंगाल के कर्ता धर्ता थे, किंतु श्री कृष्ण कृपा से, श्री कृष्ण प्रेम की मादकता से ऐसे दीन बन गए कि परम वैरागी बनकर वृंदावन में ही लोग पधार गए।
ब्राह्मण ने मन में कहा, यह कंगाल सनातन गोस्वामी है, ऐसे व्यक्ति के पास पारस होने की आशा कैसे की जा सकती है। लेकिन इतनी दूर आया हूँ तो पूछ ही लेता हूँ, पूछने में क्या जाता है। ब्राह्मण ने जब श्री सनातन गोस्वामी से पारस के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, इस समय तो मेरे पास नहीं है, मैं उसका क्या करता है, क्योंकि गावे श्यामा श्यामा तो ध्यावे श्यामा श्यामा निखरे श्यामा श्यामा को, यही हमारो काम। श्री सनातन गोस्वामी ने बताया कि एक दिन मैं यमुना जी को स्नान कर रहा था तो रास्ते में पारस पत्थर पैर से टकरा गया। मैंने उसे वही यमुना जी की रेत में गाड़ दिया, जिससे किसी दिन यमुना स्नान से लौटते समय वह मुझसे छूमंतर न हो जाए, क्योंकि उसे छूकर तो पुनः स्नान करना पड़ता है। तुम्हें चाहिए तो तुम वहाँ उसे लेकर निकाल लो। श्री सनातन गोस्वामी ने कहा, पारस गाढ़ा हुआ था, उस स्थान का पता ब्राह्मण को बतला दिया। रेत हटाने पर ब्राह्मण को पारस मिल गया। पारस की परीक्षा करने के लिए ब्राह्मण लोहे का एक टुकड़ा अपने साथ लाया था। जैसे ही ब्राह्मण ने लोहे को पारस से स्पर्श कराया तो वह स्वर्ण का हो गया, पारस सही मिला है। इससे अत्यंत प्रसन्न होकर ब्राह्मण अपने गांव की ओर लौट पड़ा। तत्पश्चात तभी ब्राह्मण के मन में एक प्रश्न कौंधा, उस संत के पास तो यह पारस था, फिर भी उसने इसे अपने पास नहीं रखा, बल्कि यह कहा कि अगर यह छू भी जाए तो उसे स्नान करना पड़ता है, अवश्य ही उसके पास पारस से भी अधिक कोई मूल्यवान वस्तु है। श्री कृष्ण नाम है कल्पतरु। ब्राह्मण लौटकर श्री सनातन गोस्वामी जी के पास आया और बोला, अवश्य ही आपके पास पारस से भी अधिक मूल्यवान वस्तु है, जिसके कारण आपने उसे त्याग दिया। ब्राह्मण को देखकर हंसते हुए श्री सनातन गोस्वामी ने कहा, पारस से बढ़कर श्री कृष्ण नाम रूपी कल्प वृक्ष मेरे पास है। पारस से तो केवल सोना ही मिलता है, किंतु श्री कृष्ण नाम से सब कुछ देने वाला कल्प वृक्ष है, उससे आप जो चाहोगे वह प्राप्त हो जाएगा। ऐसा कोई नहीं जो भगवान के नाम से आश्रय लेने पर न हो। मुक्ति चाहोगे मुक्ति मिलेगी, परमानंद चाहोगे तो परमानंद मिलेगा, वज्र रस चाहोगे तो वज्र रस मिलेगा। श्री कृष्ण का एक नाम सब पापों का नाश करता है, भक्ति का उदय करता है, भव सागर से भी पार करता है और अंत में श्री कृष्ण की प्राप्ति करा देता है। एक कृष्ण नाम से इतना धन मिलता है, कृष्ण नाम ही स्वयं कृष्ण है, भजो सहित निष्ठा अविराम। यह सुनकर ब्राह्मण ने सनातन गोस्वामी जी से विनती की, मुझे आप वही कृष्ण नाम रूपी पारस प्रदान करने की कृपा करें। श्री सनातन गोस्वामी ने कहा, उसकी प्राप्ति से पहले आपको इस पारस को यमुना में फेंकना पड़ेगा। ब्राह्मण ने यह गया पारस कहते हुए पूरी शक्ति से पारस को यमुना जी में दूर फेंक दिया। भगवान शिव की दीर्घकालीन तपस्या व संत के दर्शन से ब्राह्मण के मन में चित निर्मल हो गए थे, उसका धन का मोह समाप्त हो गया और वह भगवान की कृपा का पात्र बन गया। श्री सनातन गोस्वामी जी ने उसे श्री कृष्ण नाम की दीक्षा दी। वह श्री कृष्ण जिसकी कृपा से एक कण से करोड़ों पारस बन जाते हैं, नाम रूपी पारस से तो सारा शरीर ही कंचन का हो जाता है। सभी रसायन हम नहीं करी, नहीं नाम सम कोय, रंचक घट में संचरे सब तन कंचन होय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरे नामों का गान करके मेरे समीप प्रेम से रो उठते हैं, उनका मैं खरीदा हुआ गुलाम हूँ। यह जनार्दन दूसरे किसी के हाथ नहीं बिकता है। जिससे एक बार श्री कृष्ण का नाम का स्वाद ले लिया, फिर उसे अन्य सारे स्वाद रसहीन लगते हैं। भव सागर में डूबते हुए प्राणी के लिए वह नौका है, मोक्ष चाहने वाले के लिए वह सच्चा मित्र है, मनुष्य को परमात्मा से मिलाने वाला सच्चा गुरु है, अंतःकरण की मलिन वासनाओं के नाश के लिए दिव्य औषधि है, यह मनुष्य को सुख से सुखदेव बना देता है। ना सचमुच श्री कृष्ण नाम पारस से बढ़कर है। प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण, राधे राधे।
वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।